अमृतसर के केंद्रीय जेल में सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आरओ सिस्टम लगाया गया, जिसका शुभारंभ माननीय जज साहिब और सरबत दा भला ट्रस्ट के चेयरमैन एसपी सिंह ओबराय ने किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए एसपी सिंह ओबराय ने कहा कि उनकी ट्रस्ट का मकसद जेलों में सजा काट रहे कैदियों को साफ और स्वच्छ पानी मुहैया कराना है, जिसके लिए पंजाब की सभी जेलों में आरओ सिस्टम लगाए गए हैं और जिन जेलों में नहीं लगे उनमें जल्द ही आरओ लगा दिए जाएंगे। आज अमृतसर जेल दे विच साडे मानयोग जज साहब ने जिहड़ा सरबत दे भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों अज आरओ प्लांट लगाया गया उहदा उद्घाटन किया। सरबत दे भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों साडा इह सोचना है मनना है कि चाहे आदमी कैदी है चाहे उन्हें जुर्म किया जो भी है सजा भुगत रहा लेकिन उन्होंने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है स्पैशली पानी जिहड़ा कि पंजाब सारा गंदा हो चुका है सो साडा इह सी कि असीं पंजाब दीआं सारीआं जेलां च आरओ प्लांट ला के हर कैदी नूं पानी जिहड़ा है उह साफ मुहैया करिए। सो अज असीं कामयाब हो गए हैं, तकरीबन साडे पंजाब दे सारे जेलां असीं कवर कर लईआं ने, जिहड़ियां दो तीन जेलां रहि गईआं ने साडीआं उहनां च अगले 15 दिनां च आरओ उत्थे वी लग जाणगे। सो साडा मेन मकसद इही है कि पानी सब नूं साफ कीता जावे। अमृतसर की केंद्रीय जेल में लोहड़ी और नव वर्ष के मौके पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैदियों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। क्रिएटर अभिनय कला सोसाइटी के सहयोग से करवाए गए इस कार्यक्रम में कॉमेडियन घुल्ले शाह और पंजाबी गायकों ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई और कैदियों का खूब मनोरंजन किया। इस मौके पर सरबत दा भला ट्रस्ट के चेयरमैन एसपी सिंह ओबराय भी मौजूद थे। सेंट्रल जेल लोहड़ी मनाई जा रही है, ये मानवता का प्रतीक है। सारे जिहड़े कैदी हैं अंडर ट्रायल्स हैं रल मिल के लोहड़ी का त्यौहार खुशियां मना रहे हैं। अज बड़ी खुशी है कि मानवता का प्रतीक अते मनुखी हक्कां की राखी के लिए अज सारे कैदियों भी इस खुशी मनाने का मौका मिलया है। मैं सारे इन्हां नूं वधाई दिंदा।